बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अंडरपास के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमें ये ऐसे फलाही काम के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजार ली, लेकिन हमें आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए जिसके लिए लोग याद रखें। तो इस अंडरपास का बहुत होना जरूरी है। तो मैं इसके लिए जनाब एक शहरी से पूछूंगा जो कि नौजवान है, कि वो बताए कि उनका क्या मुतालबा है इस अंडरपास के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए गुजारिश ये करूँगा, मेरा नाम खलील रहमान है, अब्दुल हकीम से रैशी। मैं इस रेलवे फाटक के लिए, मैं सुबह टाइम में देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, बच्चे बच्चियाँ रोज के लिए फाटक एक घंटे के लिए पहले बंद हो जाता है। फाटक एक घंटे पहले बंद हो जाता है क्योंकि बच्चियां सुकून वालियाँ जो होती हैं वो परेशान होती हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा वजीर आला साहब से, परवेज इलाही साहब से, तो उनसे दरख्वास्त करूंगा हमारे लिए, अब्दुल हकीम के लिए कुछ सोचें। तो मेहरबानी करके रेलवे फाटक के लिए या इसके इंटर बाई पास बनाया जाए या इसके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। शुक्रिया।